नजीर भैया। अब ये बताइए, घर कब बना था आपको? 2018 में। 2018 में जी। तो कितना इसमें रुपये मिले था आपको? हमें दो में मिले थे 5 लाख। अच्छा, दो घर में 5 लाख मिला, एक में ढाई ढाई लाख रुपए। जी जी, ढाई। पैसे तो नहीं देने पड़े किसी को? नहीं, किसी को नहीं देने पड़े। अच्छा, अभी बताए खुश हैं मकान बन गया? है, और क्या, यहाँ से टपक रहे वहाँ से टपक रहे, खबेल उछाए, अब अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले कृपा के और सुकून से रह रहा है। आपका नाम क्या है? राशिदा बी। आपको भी मिला पीएम आवास? हमें मिला था। कितने रुपए मिले? ढाई लाख। ढाई लाख सीधे अकाउंट में आए थे? किसी नेता वगैरह तो नहीं? किसी नहीं। अब खुश हैं बच्चे? सब बच्चे खुश हैं। अच्छा, अब ये बताइए घर बनेगा तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी रहेगी घर बनेगा तो। अच्छा जी, पहले क्या हालात थे जब घर? पहले तो अच्छे हालात नहीं थे, अब है अच्छे हालात। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी ने दिया तो वोट करेंगे शिवराज जी को? जी हाँ करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन देंगे? हाँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद अरमान। क्या कहेंगे पीएम आवास के तहत आपका घर का सेंशन होने वाला है, क्या कहेंगे, खुशी है? अरे साहब, हम लोग तो वैसे खुश है, नहीं भी मिल रहा तो भी खुश है। अच्छा। रहना पड़ेगा हम लोग खुश। अब ये बताइए शिवराज जी यहाँ से प्रत्याशी हैं तो वोट करेंगे मामा जी को? बिल्कुल साहब, मामा तो बने ही हैं, मामा मामा कौन छोड़ते हैं। अच्छा। वो नहीं भी रहेंगे तो भी मामा बने रहेंगे। वो दिल्ली जा रहे हैं? वो जहाँ भी चले हैं मामा तो मामा ही है। कुछ किसी नेता को देने तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है बीजेपी नेताओं ने खूब लूटा इसमें। नहीं, किसी ने लूटा। अभी बताइए यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं, वोट करेंगे जी? क्यों नहीं करेंगे, देंगे वोट। अभी बताइए किसने दिलाए जी? उन्हें दिलाया शिवराज सिंह ने, शिवराज जी ने और मोदी जी ने। हाँ, दोनों ने। क्या कहेंगे दोनों को? अब वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्या कहेंगे, जिताएंगे और क्या है। अच्छा। बस अब उन्हें सहायता करी अपने संग, तो अपन उनकी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस कह रही कुछ काम ही नहीं किया लोगों का। अब कांग्रेस कह रही है तो कहने दो, वो तो चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, देंगे आशीर्वाद। चुनाव में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? चुनाव भाई मोदी जी के देंगे। और राहुल जी को वोट मिलेगा मोदी जी को? ज्यादातर तो मोदी जी को मिलेगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के पीछे वाले एरिया में, और यहाँ पर लगभग 5-10 ऐसे घर हैं जो पीएम आवास योजना में बने हैं, और उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं जिनके घर बने हैं। उनका घर बनने के बाद क्या यहाँ पर उनका कहना है, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, तो क्या वो इस सरकार से खुश हैं या आने वाली कोई और सरकार बनाना चाहते हैं? तो पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं जिनका घर बना है। नाम क्या आपका? नजीर भैया। अब ये बताइए घर कब बना था आपको? 2018 में। 2018 में जी। तो कितना इसमें रुपये मिले थे आपको? हमें दो में मिले थे 5 लाख। अच्छा, दो घर में 5 लाख मिला, एक में ढाई ढाई लाख रुपये। जी जी, ढाई। पैसे तो नहीं देने पड़े किसी को? नहीं, किसी को नहीं देने पड़े। अच्छा, अभी बताए खुश हैं मकान बन गया? है, और क्या, जहाँ से टपक रहे वहाँ से टपक रहे, खबेल उछाए, अब अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले कृपा के और सुकून से रह रहा है। है कि नहीं, ये बताइए दिलाया किसने? मोदी साहब, मोदी सरकार ने दिलाया, शिवराज जी ने। मोदी जी और शिवराज जी? और कोई, दोनों ही थे वो तो, मोदी जी और शिवराज सिंह दोनों ही थे। कांग्रेस तो कहती है मोदी जी भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं देते हैं। अरे भैया, अपन नहीं जानते इसमें, जो अपना है वो अपना है, जो अपन को चाहे वो अपना है। अच्छा, तो आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? और को देंगे नहीं तो, जब से दे रहे हैं हम तो। अच्छा। जब से दे रहा है तब भी दे रहा है। तो आपको क्या लाभ मिला है, क्या क्या लाभ मिल हमें? बेवा की पेंशन भी मिलती है, लाड़ली बहना कई मिलती है, गेहूं भी मिल लिया है, गेहूं चावल और जो लाभ है और जो मिलती है वो भी मिल जाती है। सभी को मिल रहे हैं, वो भी आपको मिल रहे हैं जी? भेदभाव नहीं है? भेदभाव कुछ नहीं है, सब मिल रहा है, जो सबको मिलता है वो हमें मिल लिया है। अब बच्चे खुश होते होंगे कि अब घर बन गया है? और होते रहेंगे बच्चे खुश। अब एक बच्चे को कमी पड़ रही थी तो ऊपर बना दिया। अच्छा। और कब शादी आने वाली है, उस महीने में शादी है तो ऊपर बना दिया। पहले क्या हालात थे जब घर नहीं था? अरे भैया, अब क्या हालात बताएं, क्या हालात थे? नहीं, तब लोग समझ पाएंगे ना कि कितना वो था। परेशानियां क्या क्या होती थी? परेशानियां कमाते थे खाते थे वो ही पूरा नहीं होता था, वही पूरा नहीं होता था, कमाने के बाद ही पूरा नहीं होता था। बीड़ी बनाते थे, बीड़ी में क्या होता है, और कमाई नहीं आती। वहाँ बच्चे भी छोटे छोटे थे जब इनके अब्बू खत्म हो गए थे। आपको क्या लगता कि अगर जिस तरीके से आप चल रहे थे तो 5 लाख कमाने में कितने साल लग जाते? कितने साल जोड़ी नहीं पाते, कमाई नहीं पाते, जोड़ी नहीं पाते, कहाँ से बनाते? अच्छा। खाते के बनाते, बच्चे पालते के शादियाँ करते के घर मकान बनाते है, बात कैसे ही? इतनी मजदूरी नहीं है वहाँ बच्चों में कि जो हम जोड़ लेते और बना लेते। खुशी होती है कि एकदम से मिल गया कुछ? और का खुशी होती है कि मिल गया, बन गया, अपने बच्चे आराम से सुकून से रह रहे हैं, बस ये खुशी है। खुश हैं आप मोदी जी और शिवराज जी? सबसे खुश हैं हम मोदी जी से भी, शिवराज सिंह सब। क्या कहेंगे अगर वो कुछ सुन रहे होंगे आपको, तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहें, खुश है? अच्छा, सब चीज दे रहा है। तो यहाँ से वो सांसद के प्रत्याशी हैं तो वोट करेंगे उन्हें? करेंगे वोट। अच्छा। अभी भी दिए थे, अब भी देंगे। आपका नाम क्या है? राशिदा बी। आपको भी मिला पीएम आवास? हमें मिला था। कितने रुपए मिले? ढाई लाख। ढाई लाख सीधे अकाउंट में आए थे? किसी नेता वगैरह तो नहीं? किसी नहीं। खुश हैं बच्चे?
सब बच्चे खुश है। क्या आशीर्वाद देंगे शिवराज जी और मामा जी? जेरान के लिए बेचारा हमारी इमदाद करे तो हम भी उनके लिए वोट देंगे। अच्छा, तो यहाँ कितनों के घर बने आपके? बस एक जे है बना है। तो पहले क्या हालात थे यहाँ बेटा? हमारे पहले बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ही बुरे। एक दूसरा घर यहाँ पे जो पीएम आवास योजना के तहत बना है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि कितना बदलाव आया है एक मकान मिलने के बाद और क्या उनको यहाँ पर उससे लाभ हुआ है। नाम क्या आपका? अख्तरी भी। अब ये बताइए आपको पीएम आवास योजना के तहत कितने रुपये मिले? ये 1200 रुपये मिल रहे हैं हम लोग। अभी लाभ नहीं मिला है, फॉर्म डल। अच्छा, अब ये बताइए घर बनेगा तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी रहेगी घर बनेगा तो। अच्छा जी, पहले क्या हालात थे जब घर? पहले तो अच्छे हालात नहीं थे, अब हैं अच्छे हालात। अच्छा जी, तो ये किसने दिलाया आपको ये घर? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी ने दिया जी। तो वोट करेंगे शिवराज जी को? जी हाँ करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन मिल गया? हाँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद अरमान। क्या कहेंगे ये पीएम आवास के तहत आपका घर का सेंशन होने वाला है, क्या कहेंगे? खुशी है? सब खुशी है। 2.5 लाख मिल जाएंगे अगर तो खुशी होगी आपको? अरे साहब, हम लोग तो बेसिक खुश है, नहीं भी मिल रहा है तो भी खुश है। अच्छा, रहना पड़ेगा हम लोग खुश। अब ये बताइए शिवराज जी यहाँ से प्रत्याशी हैं तो वोट करेंगे मामा जी को? बिल्कुल साहब, मामा तो अब बने ही है, मामा को कौन छोड़ते हैं। अच्छा, वो नहीं भी रहेंगे तो भी मामा बने रहेंगे। अब वो दिल्ली जा रहे हैं? वो जहाँ भी चले आए मामा तो मामा ही है। अच्छा, मामा का होदा नहीं छूट सकता। अच्छा हाँ जी, कांग्रेस तो कह रही काम ही नहीं किया इसलिए हटा दिया उनको। भाई साहब, अपन किसी के कहने से क्या है, मामा जो करेंगे देखेगा, जो नहीं करेंगे वो भी देखेगा। अच्छा हाँ जी, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अरे साहब, हम लोग तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अब सामने वाला अपने बारे में क्या सोचता है ये तो उनको सोचना है। अच्छा। जी, इस समय हम गैरतगंज में मौजूद हैं और इस समय टेका पार के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं और यहाँ पर लाइन से आपको जितने भी मकान आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ सड़क के, ये लगभग इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं और लगभग इसी वार्ड में लगभग 50 से ज़्यादा घर जो बताए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताए जा रहे हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं इस बार चुनावी माहौल चल रहा है किस तरीके से, इस बार जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है एक तरफ विपक्ष पूरा एकजुट हो रखा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और खुद यहां से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी के रूप में यहां पर उम्मीदवार बने हैं, तो क्या उनकी राय होने वाली है? जो लाभार्थी हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। नाम क्या आपका? सीमा पंथी। अब ये बताइए मकान कब मिला था आपको? 2019 में प्रधानमंत्री आवास में। हाँ। कितने रुपए आए थे खाते में? 2.5 लाख। कुछ किसी नेता को देने तो नहीं पड़े? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है बीजेपी नेताओं ने खूब लूटा इसमें। नहीं, किसी ने लूटा। हाँ। अभी बताइए यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं, वोट करेंगे उन्हें? जी क्यों नहीं करेंगे, देंगे वोट। अच्छा, और ये घर बनने से पहले क्या हालात थे यहाँ के? हाँ ठीक है, अब तो पहले से। तब क्या हालात थे जब घर नहीं था? जब घर नहीं था तो कच्चे मकान थे, पानी की प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। मोदी जी और शिवराज जी को आशीर्वाद देंगे? जी क्यों नहीं देंगे, देंगे आशीर्वाद। तो क्या कहेंगे अगर वो सुन रहे होंगे आपको, तो इस चुनाव में मिलेगा उन्हें वोट? क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलकर वोट देंगे तो जीतेंगे। और क्या क्या योजनाओं के लाभ मिले आपको? सड़क योजना बनी, नल की व्यवस्था हुई, मकान की हुई। लाडली बहना? हाँ लाडली बहना की। अच्छा, उसे आप क्यों नहीं रहेंगे? अच्छा, क्या करते हैं आप 1250 रुपये का महीने का? अभी तो खाते में डाले, अभी नहीं निकाले। अभी नहीं निकाले, खाते में जमा है जी। नाम क्या आपका? राम कुमार भाई। अब ये बताए आपको भी प्रधानमंत्री आवास मिला है? हाँ मिला ना। कब मिला था? वही 2019 में। 2019 में जी। खुशी है? काय नहीं है खुशी, होएगी ना खुशी। अब ये बताए किसने दिलाए ये? जी उनने दिलाए, शिवराज सिंह ने, शिवराज जी ने और मोदी जी ने। हाँ दोनों ने। क्या कहेंगे दोनों को, अब वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो क्या कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्या कहेंगे, जिताएंगे और क्या है। अच्छा, बस अब उनने सहायता करी अपने संग, तो अपन उनकी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस कह रही कुछ काम ही नहीं किया लोगों का। अब कांग्रेस कह रही है तो कहने दो, वो तो चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो, हमें वोट दे दो, हम 1 लाख रुपए देंगे साल के। हाँ, साल के 1 लाख पहले दे दिए ना, जैसे कुटी लेने ना है वो 3-3 लाख दे दी, इसके बाद हम उन्हें वोट दे दें। अच्छा हाँ, तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे, 1 लाख रुपए देंगे वो ऐसा कह रहे हैं? राहुल गांधी पहले दे दी, जब तो दें हैं वोट देने से पहले आप? हाँ हाँ, वोट देने से पहले दे दिए 1 लाख, तो उन्हें वोट दे दिए, नहीं दिए तो फिर नहीं दिए। अच्छा। जो कोई हमारी मदद कर रहा वो नहीं देंगे। तो किसने की आपकी मदद?
मोदी जी ने, तो आशीर्वाद देंगे उन्हें? क्यों नहीं देंगे, देंगे बराबर दे हैं। अच्छा, और खुश हैं मामा जी से? खुश हैं हम तो भैया। अच्छा, क्या आशीर्वाद देंगे अगर वो सुन रहे हैं तो? सुन रहे हैं, सुनत रहे हैं, जो ये आशीर्वाद बूट है सो बूट ले ले हमें, और का है। अच्छा। और सहायता करत रही है। नाम क्या आपका? बूरी भाई। अब ये बताए आपको भी मकान मिला है? हाँ मिला है। कब मिला था ये? 3-4 साल पहले। अच्छा, तो उससे पहले क्या हालात थे आपके? अरे बहुत बुरी हालत थी पहले तो हमारी, अब मन बदल गए पहले से। अब खुशी है? खुशी है ही अब। अब बच्चे क्या बोलते हैं आपके? क्या बोले ना, जय बोलते हैं अच्छे रहने लगे। अब ये किसने दिलाया आपको घर? मोदी सरकार ने। आपका नाम क्या है? राम कलीवाई। आपको क्या क्या मिला है योजना? हमको मकान मिला और पैसा मिलता है बस। लाडली बहन का? हाँ। अच्छा, अभी राशन वगैरह? राशन वगैरह मिलता है। तो खुश हैं आप मोदी जी से? हाँ खुश हैं। आशीर्वाद देंगे उनको? हाँ दे हैं आशीर्वाद। चुनाव में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? चुनाव भाई मोदी जी ये देंगे। अच्छा, और यहाँ से शिवराज जी लड़ रहे हैं? शिवराज जी भले लड़ रहे हैं, जिन्हें दावे बाय काट देंगे हम तो। आओ, और रहे बाटे हम नो तो, और चलेगा तो बस के था। हाँ, अब ये बताइए राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे हम। हाँ तो दे है तो फिर देंगे उन्हें। नाम क्या आपका? लक्ष्मी बाई। अब ये बताइए आपको क्या क्या मिला है योजनाओं के? लाडली बेला पैसे मिल रहे। यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। जीतेंगे? जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। राहुल जी को वोट मिलेगा मोदी जी को? ज्यादातर तो मोदी जी को मिलेगा।